आखिरी राउंड में मात्र 9 वोट से जीती कांग्रेस की शेरनी, भाजपा को चटाई धूल। धामनोद नगर परिषद का प्रथम सम्मेलन महेश्वर रोड स्थित नगर परिषद कार्यालय में संपन्न हुआ। पीठासीन अधिकारी आरएन परमार ने निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराई। पहले नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए, जिसके बाद जांच की गई। कांग्रेस की ओर से सीमा विष्णु पाटीदार के अध्यक्ष पद पर विजयी होने के बाद उपाध्यक्ष पद की प्रक्रिया संपन्न कराई, जिसमें पहले नामांकन की प्रक्रिया संपन्न कराई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से महेंद्र चौहान ने उपाध्यक्ष पद हेतु नामांकन जमा किया। वहीं कांग्रेस की ओर से आश्चर्यजनक रूप से जयश्री अंतिम यादव एवं नीतू महेंद्र राठौर ने नामांकन जमा किया। बाद में जांच करने पर तीनों के नामांकन सही पाए, लेकिन वापसी के समय नीतू महेंद्र राठौर द्वारा अपना नामांकन वापस ले लिया गया, जिसके बाद आमने सामने मुकाबला कांग्रेस की जयश्री अंतिम यादव एवं भाजपा के महेंद्र चौहान के बीच हुआ। बाद में मतदान हुआ, जिसमें जयश्री अंतिम यादव को 9 एवं महेंद्र चौहान को 6 मत मिले। इस तरह जयश्री अंतिम यादव कांग्रेस की ओर से नगर परिषद उपाध्यक्ष चुनी गई। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की प्रक्रिया संपन्न होते ही कांग्रेसी झूम उठे और सभी विजयी का जोरदार जुलूस निकाला, जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष और कांग्रेस पार्षद थे। विजयी जुलूस महेश्वर रोड से गुलझरा मंदिर तक गया। वहां दर्शन करने के बाद सभी अंबिका देवी मंदिर तक गए। रास्ते भर जगह जगह स्वागत किया गया। गौरतलब है कि वर्तमान नगर परिषद का कार्यकाल 8 फरवरी को समाप्त हो चुका है। इस बार भी परिषद के लिए 20 जनवरी को मतदान हुआ था, वहीं 23 जनवरी को मतगणना हुई थी, जिसमें कांग्रेस के 9 पार्षद चुने गए थे। भाजपा के 6 पार्षद चुने गए थे। तब ही यह लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार इस बार बनी भी। यहां ये उल्लेखनीय है कि विगत 10 वर्षों से नगर परिषद पर भाजपा का कब्जा था, जो इस बार परिवर्तन होकर कांग्रेस ने परिषद बना ली है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।